गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए आज के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी पूजा हो चुकी है और अब सनी काम पर निकल रहे थे। सुबह के मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अभी क्लीनिंग डस्टिंग सब ख़त्म हो चुकी है, सारा नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा घर पूरा। ये मेरा बेडरूम है, सब कुछ क्लीन हो चुका है। आज मैं सोच रही हूँ अपनी कॉफ़ी मशीन में क्लीन करूँ, तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्लीन करती हूँ मैं अपनी कॉफ़ी मेकर मशीन को, और कॉफ़ी कॉर्नर को भी मैं पूरा क्लीन करूँगी। ये आप देख रहे हो, ये मेरी कॉफ़ी मशीन है। चलिए अब हम इसे पूरा डीप क्लीन करते हैं और देखते हैं ये स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे मैं क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले इसकी जितनी भी एसेसरीज़ हैं हम सब उसे निकाल कर अलग रख देंगे, फिर इसे बाद में क्लीन करेंगे। ये सारी एसेसरीज़ अलग हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं कॉफ़ी मशीन को क्लीन करते हैं। सबसे पहले हम कॉफ़ी मशीन क्लीन करेंगे, उसके बाद एसेसरीज़ पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लूँगी वाइट विनेगर और वाटर की क्वांटिटी जो है हम सेम रखेंगे। ये मैंने लिया है इसमें वाइट विनेगर। चलिए अब हम इसे मिक्स करते हैं वाटर के साथ। पहले मैं विनेगर डालूंगी, अब मैं इसमें वाटर डालूंगी। सेम अमाउंट रहेगा दोनों का। चलिए अब इसे मिक्स कर लिया, अब इसमें डाल दीजिए। इसके बाद इसके ढक्कन को बंद कर दीजिए, अच्छे से टाइट बंद करिएगा कि स्टीम बाहर ना निकले। चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं मशीन को। अब हमने ऑफ़ कर दिया है, इसमें पूरी स्टीम बन चुकी है। अब हम इसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे फिर बंद करेंगे, फिर प्रेस करेंगे फिर बंद करेंगे। ऐसे करके हम सारी स्टीम और वाटर जितना भी अंदर मैंने विनेगर और वाटर का डाला है, तो विनेगर और वाटर का जो भी मिक्स है वो बाहर आ जाएगा पूरा क्लीन करके। मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए वजह से मेरा कॉफ़ी मेकर मशीन ज़्यादा गंदी नहीं है रहती है या हो ही नहीं पाती है। बट फिर भी मैं क्लीन जल्दी जल्दी करने से क्या होता है, ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती है। चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। सारा विनेगर वाला मिक्स निकल गया है, अब इसमें हम प्लेन वाटर डालेंगे। ये मैंने डाल दिया है प्लेन वाटर। फिर से अब हम इसे सेम प्रोसेस करेंगे, इसका हम कैप बंद कर देंगे अच्छे से एयर टाइट। इसके बाद हम मशीन ऑन कर देंगे, फिर हम वेट करेंगे। फिर जब इसकी स्टीम बन जाएगी अच्छे से, ये देखिए मशीन मैंने ऑन कर दी है। चलिए अब इसे हम, ये देखिए स्टीम आ रही है, इसे मैंने चेक कर लिया, मतलब ये रेडी है। अब हम इसे प्रेस करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो भी वाटर निकला है क्लीन करके सेकेंड टाइम में, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और झटपट हो जाती है। चलिए मैंने मशीन बंद कर दी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको वाटर, कितना सारा वाटर आया है, जितना मैंने डाला था पूरा अमाउंट आ गया है इसमें। ये देखिए वाटर पूरा क्लीन होके बाहर आया है, आप देख सकते हो, मतलब अंदर बिल्कुल भी गंदगी अब नहीं बची है, पूरा अंदर से डीप क्लीन ये हो चुका है। तो
तो अंदर से ये डीप क्लीन तो पूरा हो चुका है। चलिए अब हम इसे बाहर से पूरा क्लीन कर लेते हैं। पानी के काफ़ी स्टीम के सबके दाग बन जाते हैं, तो चलिए इसे हम बाहर से अब क्लीन कर लेते हैं। स्कॉच ब्राइट से आप आराम से इसे क्लीन कर सकते हो। अब हम इसे एक सूखी नैपकिन से अच्छे से क्लीन करके पोंछ लेंगे। अब हम इसे एक वेट नैपकिन से अच्छे से पूरा क्लीन करते हैं। पहले मैंने सूखी नैपकिन से किया था। ये देखिए, ये हर तरफ से आप देखो, हर तरफ से ये देखिए इतने अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। चलिए अब हम इसके एसेसरीज़ को क्लीन करते हैं। तो सबसे इसे अच्छे से स्कॉच ब्राइट से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम इसे धुल के अच्छे से सूखी नैपकिन से सुखा लेंगे। चलिए तो अब हम इसकी सारी एसेसरीज इसमें वापस से लगा देते हैं, अच्छे से इसे असेंबल कर देते हैं। चलिए हम अपने कॉफ़ी कॉर्नर के सारे भी जितने मेरे कॉफ़ी मग हैं
मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इस पे इसे लगा दूँगी सारे। ये पूरे अब खाली हो चुका है, चलिए इसे क्लीन करते हैं। ये मेरे सारे कॉफ़ी मग्स क्लीन हो चुके हैं और मैंने इस पे लगा दिए हैं। अब ये मैं कुकीज़ वाले जो मेरे जार हैं वो मैं इसे लगा देती हूँ। ये हो गया कंप्लीट। अब हम इस पे रखते हैं कॉफ़ी मशीन। ये देखिए, ये सनी काम से आ गए, इसके लिए ट्रीट लेकर आए हैं, तो ये बहुत एक्साइटेड है कि मुझे ट्रीट चाहिए। दोनों बातें कर रहे हैं। मुझे चांद नजर आ गया। देखिए इवनिंग कितनी प्यारी है आज की। मुझे अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जल्दी से करके आती हूँ, बट बाहर इतना रश था। तो आज चाय के साथ मैंने स्नैक्स में साबुदाने के वड़े बनाए हैं, तो चलिए अब इसे खाते हैं। यम्मी लग रहे हैं ना? गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।